देखा थोड़ी बैठी हो ना फिर जोड़ जुड़ी जाते हैं उस पहला स्टेप कोई भी होना फिर असा कि केड़ा बंदा शाबाश दे कोई गल नी जल्दी जल्दी तशरीफ रखी सेल्फी बना ले दो कैमरा मैन लगे हुए तुसे राम नहीं लगना और जनाब को बोल सो खिताब करे जी सारे जाओ यार चलो तुसा गले क्या पाया अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन इस वक्त हम पीर प्लाक के मुकाम पर बैठे हुए मेरे साथ मीरपुर से इस्लामगढ़ से आए हुए दोस्त और चकसवारी प्रेस क्लब की पूरी टीम सदर राजा नसार साहब और नौ मुंसिफ जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम ख्वाजा इसहाक साहब जिनकी दावत पे आज हम यहाँ सब दोस्त इकट्ठे हुए और यहाँ आके हमने यहाँ इन्होंने हमें खाना खाया पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। ये दो अदला के संगम पे वाकया जगह है हमारे अकब में कोटली और जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये ज़िला मीरपुर है। बहुत खूबसूरत और पुरफजा मकाम है। हर तरफ जिस तरफ चारों तरफ नज़र दौड़ाएँ तो सरसब्ज व शादाब पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं, हमारे सामने पुंछ दोनों वाकया है और ये वो बशारत शहीद का मदार और ये वो मकाम है पलाक जहाँ दरे पुंछ आके मगर डैम में गिरता है और अपना वजूद। इसीलिए सियाने कहते हैं कि हमेशा जो अपनी रखना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तलक चेहरा नहीं रहता।
हमेशा बड़े लोगों से मिलने में फासला रखना, हमेशा बड़े लोगों से मिलने में फासला रखना, जहां दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता। तो आज हम चकसवारी प्रेस क्लब की दावत पे आए, तो मैं एक दफ़ा फिर चकसवारी प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। चकसवारी प्रेस क्लब की बुनियाद हमारे बुजुर्ग सूफी मोहम्मद रशीद मरहूम मकबूर ने रखी थी, और आज 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं चकसवारी प्रेस क्लब चकसवारी के आवाम की और ज़िला भर के लोगों की एक तवाना आवाज़ है कि चकसवारी प्रेस क्लब के इलाका में इसके हदूद में बसने वाले तारकीन वतन की भी ये मौसर आवाज़ है। मैं चकसवारी प्रेस क्लब के सीनियर अहबाब का इसलिए भी मशकूर हूँ, इसलिए भी उन्हें दाद देता हूँ कि उन्होंने नौजवानों का रास्ता नहीं रोका। जब तक हमारे नौजवान ज़िंदगी के तमाम शोभा जात में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इनकी रहनुमाई नहीं करेंगे, तो हमारा मुस्तकबिल किसी भी सूरत रोशन और ताबनाक नहीं होगा। मैं अल्लाह पाक के हुजूर दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत व हौसला अता करे, हदायत अता करे, हमें इत्तफाक़ और सलूक अता करे कि हम साफ़त और साफियों को बावकार बना सकें। अल्लाह करीम मोहब्बत की बातें की, मुस्तकबिल के फैसले अगर चेता नहीं रह गए, लेकिन हम ये तो करते हैं कि इसी तरह बामी इफामत प्यार मोहब्बत से ये सिलसिला चलता रह गए। ख्वाजा इसहाक साहब का शमीम कलब से दिल की था करेंगे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इनको तौफीक दी, और इस तवक्को के साथ कहंदा भी इसी जज्बे और खलूस के साथ ये अपना सिलसिला जारी रखेंगे। आपका ख्वाजा इसहाक साहब और आज की जो हमें अच्छी अच्छी जो वोटियाँ रिसीव हुई ना, वो ख्वाजा इसहाक साहब, ख्वाजा इकबाल साहब और हमारे अजीज मोहम्मद ताज जालब साहब, ये मेहनत करती थी। अगर जो मौजूम साहब ने मना किया था कि इनका नाम नहीं लेना, पर मुझे मजबूरी है। दोस्त मुझे दावत पे ज्ञान तशरीफ लाए और आज एक उन्होंने नई जगह देखी है, मेरी मर्जी नहीं थी। मैंने कहा राय साहब को कि वहाँ चकसवारी में ही दावत कर देते हैं, मैं वहाँ जैसे दोस्त कहाँ जाएंगे, तो राय साहब ने कहा जी नहीं जी विजिट भी करेंगे साथ गप शप। क्या अदा करता हूँ जो मेरी दावत पे तशरीफ लाए, और मैं जनाब अपने सेक्रेटरी नशर शाह साहब का नवीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आखिर उन्होंने भी वेलकम किया चाय पर। मैं जनाब सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आइंदा भी कोई ऐसे मौके आते रहे, साथ ही दोस्त में बैठ कर गप शप लगाते रहे। लेकिन एक डर है मुझे कि गजाली साहब ना चले, लेकिन हम यहाँ पर कभी भी नहीं आ सके, तो इसको विजिट करने का मौका मिला तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चकसवारी प्रेस क्लब के तमाम मेहमान का उनको नई पार्टी बनने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उसके साथ उनकी जो प्रेस क्लब में रजिस्ट्रेशन हुई है प्रेस फाउंडेशन में उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके लिए मुस्तकबिल में दोस्तों को यहाँ पर इकट्ठा किया और मिल बैठ कर यहाँ पर अपनी बातें अपने व्यूज़ शेयर करने का मौका मिला, और हमें एक ऐसी जगह जो कि सही ये बात है कि आम हालत में हम यहाँ ना नहीं पहुँच सकते थे, उन्होंने हमें बुज़ुर्गों की जो बातें वो बताई, बुज़ुर्गों का जो किला है वो उसका दीदार करवाया। तो इसके साथ मैं सदर प्रेस क्लब चकसवारी राजसाद साहब का भी मशहूर हूँ कि वो भी तशरीफ लाए और तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया, और ये भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनके जो प्रेस फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे बड़ी वो इस इशू पर जो है वो एक बकरा दो बकरा सदर कश्मीर प्रेस क्लब मेरे पास जनार साहब का सदर सबक सदर चनार प्रेस क्लब अफान सदर सदक साहब का न्याय जी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त करार हमारी इस दावत में तशरीफ लाए। रजिस्ट्रेशन के मामले में मैं समझता हूँ कि जफीर बाबा साहब ने हमारी जो मदद की है, हमें अगर हम कोई इंसानियत हुई तो जिंदगी बार का ये और इन शाला मुझे उम्मीद है कि इनकी क्यादत में भी बहुत सी कामयाबियाँ हम हासिल करेंगे। एक दफ़ा मैं अपनी तरफ से
और प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों की तरफ से तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। प्रेस क्लब के सदर मोहतरम राजा निसार साहब और सेक्रेटरी जनरल जनाब ख्वाजा इसहाक साहब, जिन्होंने आज हमें यहाँ मधु किया था और आज का सारा दिन चिकसवाली प्रेस क्लब के नाम ही रहा। तो अभी हम चिकसवाली प्रेस क्लब के एक इंतहाई मतरक बाखलाक खुश अखलाक हंसमुख स्मार्ट शख्सियत और रुकन मोहतरम नवीद यूनुस साहब के घर बैठे हुए हैं। तो मैं इनके वालिद साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, तो मैं यूनुस साहब को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर बंदा ये दुआ करता है अल्लाह करीम से, हमारे पैगंबरों ने ये दुआ की, हम सब ये दुआ करते हैं अल्लाह करीम हमें औलाद साले अता करे, आमीन करे। तो हकीकी मानों में नवीद आपकी ज़िंदगी में खुशी की नवीद लेकर आया है। हम इसकी सेहत याबी के लिए, इसकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह करीम इसे मजीद कामयाबियाँ कामरानी और आसानियाँ अता करें। जहाँ तक चकसवाली प्रेस क्लब की बात है, चकसवाली प्रेस क्लब के साथियों की बात है, तो आप सब लोग हमारा दस्ते बाजू हैं। हमेशा जो टीम खेलती है हर प्लेयर का अपना हिस्सा होता है। हम आ रहे थे तो ख्वाजा इसहाक साहब कह रहे थे कि छः हम भाई हैं और छः हमारे कज़न हैं, तो मैंने कहा टीपी की टीम पूरी है। तो आपको बारह खिलाड़ी की जरूरत है, वो भी पानी छाने लेने के लिए आपने घर में रखा हुआ है, तो सिर्फ दो अंपायर हैं और मैच शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है हमारा, मंगी है जहनी सोच फिक्र की बात होती है, आप भी बेदार मौजूद लोग हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह हमारा ये हमारा रिश्ता आप साफ़ती सियासत से हटकर हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं। सच्ची और खरी बात है, गजाली साहब का घर मेरा अपना घर है, इसमें मैंने कभी दूसरी आर महसूस नहीं की। इस तरह तमाम दोस्तों के साथ, ज़्यादातर दोस्तों के साथ हमारे घरेलू तलबात इस बार हो चुके हैं। तो तलक बनाना बहुत आसान होता है, तलक को निभाना मुश्किल काम होता है। दौरान सफ़र, दौरान तलक बहुत सारे मसाइल और मामला का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बंदे के रज़ का इम्कान उस वक्त होता है जब कोई कमी कोताही मेरी तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो। तो हमें चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं सबसे, हम सारे इंसान हैं, बशरी तकाज़े हैं, लेकिन माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो मैं अल्लाह हजूर के दरबार में लाख पेशात वागो हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस्तकामत अता करें। आज हम जहाँ हमने दिन गुजारा, जहाँ हमने दिन का खाना खाया, तो हमें बताया गया, दिखाया गया कि ये एक बहुत रूहानी शख्सियत थे, बुजुर्ग थे, उनकी चिला गाह। तो चिला गाह का मसला होता है मशक्क़त करना, मेहनत तलब काम करना। तो ये बात, ये चिला गाह ये साबित करती है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ, दयानदारी के साथ अपने फ़रज़ सरजम नहीं देंगे, तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। और जब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी हमारा नाम आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपका काम बोलेगा तो नाम ऑटोमेटिकली बोलेगा। इसलिए हम सबको अपना अपना मुआफ़ा करना चाहिए, हमें मेहनत से घबराना चाहिए, नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, जानदारी के साथ अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहिए। फैसला इस्लाम करके तमाम दोस्तों की खैर वफियत कर अल्लाह। आज जिन साहब ने हमारे लिए खाने का एहतमाम किया, उनके दस्तरखान को मजीद वसी फरमा, मुंशी यूनुस साहब को सेहत कामला हाजरा मुस्तमरा नसीब फरमा, जितने हमारे अहबाब इस महफिल में मौजूद है अल्लाह तमाम के घर में उनकी सेहत में, इज़्ज़त में अजाफा फरमा, उन्हें तंदरुस्ती अता फरमा अल्लाह। तमाम दोस्तों को एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमा, नेक जज्बों को परवान चढ़ा और हमारे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।